दोस्तों, ग्लैनो फेसलिफ्ट के साथ मार्केट में जैसे ही उतारा है मारुति ने, जबरदस्त तरीके से मार्केट में खलबली मच गई है। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है ये, काफी ज्यादा सेगमेंट फर्स्ट फीचर इसमें आए हैं, तो इसके बेस वेरिएंट से आपकी मुलाकात कराते हैं आज। इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या आपके बजट के हिसाब से ये गाड़ी फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी। सबसे पहले बता दें आपको कि ये जो कलर है इसका नाम है ओपुलेंट रेड, और ये नया एड ऑन हुआ है ग्लैनो फेसलिफ्ट के साथ। काफी ज्यादा सुंदर और आकर्षक कलर दिखाई देता है दोस्तों, ये काफी ज्यादा पसंद आएगा आपको जब भी आप इसको रियल लाइफ में देखेंगे। एक चीज और बता दें आपकी जानकारी के लिए, कुछ देर पहले मैंने चैनल पे एक पोस्ट वीडियो डाला है जिसमें जेटा, डेल्टा और अल्फा को कंपेयर किया है। यदि दूसरी आप वेरिएंट्स को जानना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए और उस कंपेरिजन वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा, जिससे कि आपको फैसला लेने में थोड़ी सी आसानी प्रोवाइड होगी। तो चलिए मिलते हैं इससे। सबसे पहले फ्रंट में देखेंगे, काफी बड़ा सुजुकी का लोगो दिया गया है, एक काफी बड़ा कटआउट है फ्रंट ग्रिल में जो कि आपकी रेडिएटर कूलिंग को भी एनहांस करता है। साथ में कुछ कटआउट आपका बम्पर में भी दिया गया है। ओवरऑल बात यह है कि जो कूलिंग क्षमता है गाड़ी की बेहतरीन मिलेगी आपको। बॉडी कलर में बम्पर मिलेगा तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्लस पॉइंट रहेगा कि बेस वेरिएंट में इस टाइप की चीजें मिल रही हैं आपको। अब देखेंगे दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, बेस वेरिएंट में आपके प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती हैं जो कि येलो बीम के साथ आती हैं, तो ये भी अच्छी बात है। साथ में जो इंडिकेटर और पोजिशनिंग लैंप रहेंगे वो हेलोजन बल्ब के तौर पर दिए गए हैं। काफी ब्रॉड ग्रिल दिखाई देती है ये जो फेसलिफ्ट है उसमें, तो लुक को एनहांस करती है। रोड प्रेजेंस भी इसके साथ इंक्रीज होगी गाड़ी की। फोक लैंप वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि बेस मॉडल है, तो कॉस्ट कटिंग छोटी मोटी आपको दाएं बाएं देखने को मिलेगी। नेक ड्रीम मिलेंगे आपको जो कवर वगैरह नहीं आता है, एज एसेसरी आप बाद में इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। जो टायर का साइज है वो R15 मिलता है डेल्टा में और बेस मॉडल सिग्मा में, उससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको 16 इंच के मिलेंगे। तो 15 इंच में जो प्रोफाइल है टायर की 185/65, तो 65% थिकनेस काफ़ी डिसेंट होती है, तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। जो इंडिकेटर है वो फ्रंट फेंडर पे मिलेगा आपको, ORVM वगैरह पे नहीं प्लेस किया गया है। अब देखेंगे जो ORVM है वो मैन्युअली आपको अपने हाथ से ही अंदर या बाहर करने पड़ेंगे, और साथ में एडजस्ट करने के लिए भी कोई जोकी वगैरह नहीं दी गई है, तो उसको भी आप अपने हाथ से उंगली से ही दाएं बाएं करेंगे, तो ये छोटा सा लगता है, अगर वो होता थोड़ा और बेहतर होता। सबसे अच्छी बात ये लगी है दोस्तों कि बेस वेरिएंट में आपको रिमोट के साथ लॉक अनलॉक का प्रावधान मिलता है। बहुत कम गाड़ियां मार्केट में ऐसी हैं जिसके बेस मॉडल में खासतौर पर बजट सेगमेंट में कि लॉक अनलॉक का बटन मिले आपको विद रिमोट, तो ये काफ़ी अच्छा एड ऑन रहेगा। जो डोर हैंडल हैं वो ब्लैकआउट किए गए हैं, वो बॉडी कलर के नहीं मिलेंगे आपको बेस वेरिएंट में। आप देखेंगे जो शोल्डर लाइनिंग है वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो अंदर का जो अंदर से आप बैठेंगे तो क्लस्ट्रोफोबी वगैरह फील नहीं करेंगे, काफ़ी बड़े बड़े ग्लासेज हैं तो बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि बेस वेरिएंट में आपको LED टेल लाइट मिलती हैं, ये भी काफ़ी रेयर है कि बजट गाड़ी में इस प्रकार की चीज़ें मिले आपको। बहुत ही शानदार दिखाई देती हैं ये, 3 पार्ट्स में स्ट्रिप दे रखी है नीचे जो काफ़ी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट होती है, ऊपर मल्टी स्ट्रिप दे रखी है, अच्छा महसूस होता है। इसी के अंदर आपका इंडिकेटर के लिए और माफ कीजिए बैक गियर के लिए लाइटें दी गई हैं। आप देखेंगे उसका छोटा सा पार्ट आपका बूट के ऊपर इंस्टॉल किया गया है, तो काफ़ी बड़ा कह सकते हैं ये एक्सटेंडेड सी लगता है देखने में, तो काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। बम्फर में रिफ्लेक्टर के तौर पर लाइटें दी गई हैं और 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको, तो ये भी काफ़ी कम देखने को मिलता है, अच्छा प्रतीत होगा। ये जो रिफ्लेक्टर वाली लाइटें हैं इसको आफ्टर मार्केट आप लाइट के तौर पे ना इंस्टॉल करवाएं, LED के तौर पे स्ट्रिप जो हम लगवा लेते हैं कई बार, क्योंकि इनका काम होता है जो गाड़ी आपकी कहीं पार्क होगी अंधेरे में तो पीछे जो लाइटें पड़ती हैं इसके ऊपर तो रिफ्लेक्ट होती हैं, गाड़ी की विड्थ वगैरह पता चलती है इससे, तो सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। आप देखेंगे बूट के जस्ट नीचे नंबर प्लेट के लिए हाउसिंग रहेगी, काफ़ी बड़ी हाउसिंग है, इल्यूमिनेटेड है ये, तो बूट दिखाते हैं अब आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन के साथ आता है तो एक्सेस करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो एक अच्छी बात है। बेस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिलेगी, जो बूट है बहुत ज़्यादा डीप है, वो बहुत सारा लगेज आप इसमें रख पाएंगे, लेकिन ये है कि यदि हैवी लगेज होगा तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है। स्पेयर व्हील दिखाते हैं आपको एक बार, स्पेयर व्हील आपको सेम डायमेंशन का मिलेगा, किसी प्रकार की कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है यहाँ पे। यहाँ पर एक ग्रैबिंग पॉइंट ये रखा है तो अपना हाथ यहाँ डाल के आप बूट को नीचे लेके आ सकते हैं, फिर बंद करेंगे। बेस वेरिएंट में आपको डिफॉगर दिए गए हैं रियर विंडशील्ड पे, तो बहुत बड़ा ऐड है, ऑन है ये, फॉग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है आपको, माइक्रो एंटीना मिलता है,
तो काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में। इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है मुझे ये कि यदि कोई गाड़ी आप इस सेगमेंट में देख रहे हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू क्रिएट करेगी आपके लिए। अंदर बैठते हैं और वहाँ के फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। आप देखेंगे जैसे डोर को ओपन करेंगे इसके ऊपर काफ़ी अच्छी एक फैब्रिक की कुशनिंग दे रखी है, तो एल्बो वगैरह भी इसके ऊपर रेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर भी कुछ कुशनिंग दी गई है तो एक प्रीमियम लुक देने की पूरी पूरी कोशिश की गई है बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी। चारों ही पावर विंडो मिलती हैं तो उसके लिए पीछे बटन रहेगा, ये काफ़ी अच्छा एड ऑन है। सभी डोर्स में आपको डेडिकेटेड बॉटल होल्डर मिलते हैं तो 1 लीटर तक की बॉटल भी आसानी से बैठ जाएगी, कुछ स्पेस और बचता है आपका निक नैक रखने के लिए। काफ़ी वाइड ओपनिंग है डोर की, तो अपने साथियों को बोलूँगा थोड़ा दूर से दिखाएँ। ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास ओपनिंग है तो बुजुर्ग वगैरह भी जब इंग्लिश एंग्रेज करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की उनको। अंदर बैठते हैं गाड़ी के। बहुत ही बेहतरीन सीटें दी गई हैं दोस्तों इसमें, काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। जो बैक रेस्ट एंगल है बिल्कुल स्पॉट ऑन है, तो लंबी दूरी भी जो आप तय करेंगे इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अंडर थाई स्पोर्ट है, काफ़ी अच्छा है। और जो आगे वाली सीटें हैं उसके नीचे स्पेस है तो आसानी से अपने फुट वगैरह को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, अच्छा रेस्टिंग पोजीशन मिलता है आपको, अच्छा फील होगा बहुत। बीच में जो फ्लोर हम्प है वो बिल्कुल छोटा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पीछे 3 बंदे भी आसानी से बैठ पाएंगे इसमें। आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा आपको किसी भी मॉडल में, चाहे टॉप ले लीजिए चाहे बेस ले लीजिए, तो ये छोटा सा मिस आउट है। प्रीमियम गाड़ी है, प्रीमियम हैचबैक के तौर पर मारुति ने इसको प्रेजेंट किया हमारे सामने। एक कॉस कटिंग देखेंगे आप कि पीछे जो हेडरेस्ट है पीछे वाले बंदों के लिए वो फिक्स रहेंगे, थोड़े से रेज कर रखे हैं वो, लेकिन जैसे मेरी हाइट 5'10" है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी सी गर्दन पीछे की तरफ ले जानी पड़ती है उसके ऊपर रेस्ट करने के लिए। ये छोटा सा मुझे लगा बेहतर हो सकता था। विड्थ बहुत अच्छी है गाड़ी की, तो मैंने जैसे बताया आपको यदि ज़्यादा हैवीली बिल्ड बंदे नहीं है तो 3 बंदे बैठ पाएंगे, अन्यथा 2 बंदे और एक बच्चा आसानी से बैठ पाएगा। डोर ओपनिंग जो लाइट है वो बीच में सेंटर में दी गई है, ये हैलोजन के तौर पर रहेगी। पीछे किसी प्रकार के एसी वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं, एसी वेंट आपको सिर्फ जेटा में और अल्फा में ही मिलेंगे। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है तो मोबाइल वगैरह गैजेट्स वगैरह चार्ज करना चाहते हैं आप तो आसानी से कर पाएंगे। ऊपर ही स्पेस है उसके और नीचे स्पेस है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, तो काफ़ी अच्छी सहूलियत की चीज़ है। यहाँ पे कुछ कटआउट वगैरह दे रखे हैं छोटा मोटा सामान रखने के लिए आपको। जो ग्रैबिंग हैंडल है बहुत अच्छे हैं, स्लोली रिट्रैक्ट होते हैं तो काफ़ी अच्छा फील कराते हैं। छोटा सा एक क्वार्टर ग्लास मिलेगा पीछे आपको, तो लाइट वगैरह इस क्वार्टर ग्लास से अच्छी अंदर आती है तो आपको ब्राइट अप सा फील होता है। तो चलिए फ्रंट सीटें बैठ के यहाँ देखते हैं क्या क्या मिलता है। सेम कुशनिंग आपको यहाँ पर भी दी गई है, बहुत अच्छी प्रतीत होती है। कुछ ब्लूइश शेड आपको बाकी पार्ट में दी गई है तो ये काफ़ी अच्छा महसूस होता है। चार ही पावर विंडो हैं जैसे मैंने बताया है, तो उसके सभी के कंट्रोल मिलेंगे आपको। और जो ड्राइवर साइड विंडो रहेगी वो ऑटो के साथ आती है। डेडिकेटेड लॉक अनलॉक का बटन भी है, और पीछे वाली जो विंडो है उसको बच्चे एक्सीडेंटली फोल्ड ना करें तो उसके लिए भी बटन रहेगा। किसी प्रकार का ORVM का एडजस्टमेंट का नहीं है जैसे मैंने बताया है, ना ही कोई लीवर दिया गया है, तो आपको मैनुअली शीशे रोल डाउन करके अपने हाथ से करना पड़ेगा उसको एडजस्ट। यहाँ कुछ स्पेस है आपकी, 0.5 लीटर की बोतल बैठ जाएगी या 1 लीटर तक ही बैठ सकती है, और कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं आप शायद क्लॉथ वगैरह डस्टिंग के लिए, ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। जो सीट है ड्राइवर सीट जिसे बोलते हैं हम, उसमें हाइट एडजस्टमेंट का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ पीछे का जो बैक रेस्ट है उसको ही आप इस लीवर के माध्यम से एडजस्ट कर पाएंगे। एक लीवर दे रखा है आगे पीछे करने के लिए, और कोई किसी प्रकार कोई फीचर नहीं है। देखिए बेस मॉडल है तो ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ ना कुछ तो आपको कमी देखने को मिलेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ सुधार की है मारुति ने, यहाँ पे सीधे आपको लीवर दे रखे हैं चाहे फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए और साथ में बोनट को ओपन करने के लिए, बार बार यहाँ से एक्सेस नहीं करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा अनोइंग सा फील होता था तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ कुछ स्पेस है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए या छोटा मोटी और चीज़ें रख सकते हैं आप। ऑटो स्टार्ट स्टॉप को भी सपोर्ट करती है तो उसके लिए डेडिकेटेड बटन रहेगा यहाँ पर। हेडलाइट लेवल करने के लिए भी टॉगल है, अच्छी बात है। जो एसी वेंट्स आपके हॉरिजॉन्टल रहेंगे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्लेस कर रखा है उसको। गाड़ी के अंदर बैठते हैं। आप देखेंगे जो तीनों ही पेडलों के बीच में स्पेस है बहुत ही बेहतरीन है, तो आपस में आपके पैर यदि बड़े भी हैं तो टच नहीं होंगे, ये काफ़ी अच्छा काम किया गया है मारुति के द्वारा। साथ में डेडिकेटेड आपको रेस्ट पेडल मिलता है तो आसानी से इसके ऊपर आप पैर रख पाएंगे। लंबी दूरी जब आप तय करेंगे तो लेफ्ट वाला पैर आपका थकावट महसूस नहीं करेगा। ऊपरी तरफ आप देखेंगे जो गेजेज हैं बहुत ही शानदार दिए गए हैं, बेस मॉडल बेसिक से ही हो लेकिन आपको फील नहीं आएगा। प्रॉपर टैकोमीटर भी है, स्पीडोमीटर भी है। जैसे ही गाड़ी को आप ऑन करते हैं सबसे पहले दिखा दें आपको जो ऑटो वाला बटन है इल्यूमिनेटेड रहेगा और रेड कलर की बैकलाइट जलती है, तो एक अच्छी चीज़ है काफ़ी। कितने शानदार तरीके से ब्राइट अप होता है ये, काफ़ी बेहतरीन तरीके से वार्निंग लाइट्स वगैरह ब्राइट अप हो रखी हैं। जो MID है वो व्हाइट कलर के साथ लाइट अप होती है, अच्छा महसूस होता है। सभी काम की जानकारी मिलेंगे आपको।
टाइम भी दिखा रहा है, ये टेम्परेचर भी दिखा रहा है, नीचे फ्यूल वगैरह भी है, ओडोमीटर की रीडिंग भी है कि 9 पॉइंट कुछ चली है ये। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं दोस्तों। बेस मॉडल में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलेगी, सेकेंड मॉडल से बेस से जो डेल्टा है उससे आपको टच स्क्रीन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है वो भी। तो इसके यदि शौकीन है तो आप एज एसेसरी उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। हैजार्ड लाइट दी गई है, एसी के जो वेंट्स हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्लेस कर रखे हैं, उनका एयर फ्लो सीधा फेस पे आता है तो काफ़ी अच्छा अनुभव कराते हैं आपको। एसी हमेशा से मारुति का यूएसपी रहा है, तो इस गाड़ी के साथ भी वो मेंटेन मिलेगा आपको। देखिए कितनी अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, कितनी, ये मेरे हिसाब से एक तो प्रोजेक्टर हेडलाइट साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रिमोट के साथ गाड़ी ओपनिंग का जो सिस्टम है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा यूएसपी रहेगा इस बेस वेरिएंट का। सबसे ज़्यादा डिमांड इसी वेरिएंट की रहने वाली है दोस्तों। एक काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे रखी है यहाँ पे, सिल्वर फिनिशिंग जो एक प्रीमियम लुक ऑफर करती है गाड़ी को, तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता ये। एक अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन को छोड़ दें तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि ये बेस वेरिएंट है। इतने अच्छे तरीके से फीचर पैक कर रखा है मारुति ने। यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं आपको 12 वोल्ट के सॉकेट को लिए, यूएसबी पॉइंट वगैरह नहीं मिलता है क्योंकि इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं आती है इसमें। 2 कप होल्डर हैं, 250 ml तक की बोतल भी वगैरह आसानी से बैठ जाएगी इसमें। जो गियर ऑपरेशन है अल्ट्रा स्मूथ है, सेगमेंट में सबसे बेहतरीन फील होंगे आपको, इतना सॉफ्ट है ये। 5 स्पीड गेयरबॉक्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, उसके नीचे हल्का स्पेस है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। जैसे मैंने बताया था आपको पीछे से यहाँ कुछ स्पेस है आपका छोटा मोटा सामान रखने के लिए। जो ग्लो बॉक्स है काफ़ी डिसेंट साइज का है, तो अच्छा खासा सामान इसमें आ जाएगा, कूल्ड वगैरह नहीं रहेगा ये, तो ये छोटा सा मिस आउट है। जो IRVM है वो मैनुअल रहेगा, आपको टॉगल के माध्यम से इसको डे नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा आपको, ना ही को ड्राइवर साइड ना ही ड्राइवर साइड, तो ये छोटा सा मिस आउट रहेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है ये। तो इस प्रकार से रिव्यू रहेगा दोस्तों इसका, बहुत ही शानदार गाड़ी बनाई है मारुति ने। आप शोरूम पे विजिट कीजिए और इस गाड़ी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही पसंद आएगी आपको। और खासतौर पे जो ये बेस वेरिएंट है ये तो अपने आप में ही लाजवाब है। ऑलराउंड व्यू दिखाते हैं एक बार आपको इसका, जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसा लुक लगता है इसका इस कलर में। तो यदि मिली हुई जानकारी आपको पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।